हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बेटा, मेरा आज का एक नया टॉपिक है फूड्स के बारे में, जो मैं आपको ये बताऊंगा कि फूड मीन्स है हमारा भोजन, भोजन क्या है और ये भोजन हमारा किन किन अवयवों का मीन्स होता है, हमारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, और इन कंपोनेंट्स का, अगर इन कंपोनेंट्स का फूड में क्या महत्व है और इन कंपोनेंट्स की वजह से इस फूड का क्या इफेक्टेड बॉडी पर पॉजिटिव जाता है और नेगेटिव इफेक्ट्स जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फूड क्या है। फूड इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। फूड क्या है हमारा? इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कंपोनेंट्स टू वर्क ऑफ एनी लिविंग थिंग्स फॉर देयर डेली एक्टिविटीज। कहने का मतलब है कि जो अपनी डेली की एक्टिविटी को करने के लिए एनी लिविंग थिंग्स को जिस चीज की जरूरत होती है उसी को फूड कहते हैं। ठीक है, तो कहना है फूड वो है हमारा, फूड को मीन्स है फूड को हिंदी में बेटा भोजन कहते हैं। वो होता है, वे पदार्थ है जो मैनी कंपोनेंट से मिलकर बना है जैसे फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है हमारा प्रोटीन, थर्ड है हमारा वसा, इसको बेटा हम कहते हैं फैट, और फोर्थ है हमारा विटामिन। और फिफ्थ है हमारा पोषण तत्व, पोषण तत्व इनको कहते हैं मिनरल्स। तो बेटा ये हमारे क्या है, फाइव कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, जो कि इनसे मिलके हमारा फूड का निर्माण हुआ है। जो फूड का निर्माण होने के बावजूद इनका फूड में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे कि जितने भी एनी लिविंग थिंग्स होते हैं हमारी अर्थ पर, जितने भी लिविंग्स क्रिएचर हैं वो सभी क्या है, फूड को ईट करते हैं। वाई नॉट, क्यों उसको ईट करते हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। एनी लिविंग थिंग्स ईट फूड टू देयर डेली एक्टिविटीज। एनी एनी मतलब है एनी लिविंग थिंग्स ईट फूड फॉर
ईट फूड फॉर देयर फॉर देयर डेली एक्टिविटीज टू गेन एनर्जी। कहने का मतलब है कि हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो फूड को ईट करती हैं फॉर देयर एक्टिविटी टू गेन एनर्जी, अपनी एक्टिविटी को करने के लिए जो एनर्जी उनको गेन होती है मिलती है वो एनर्जी उनको क्या है फूड से मिलती है। जैसे कि डेली एक्टिविटीज में मींस हो गया वॉकिंग, डेली एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी वॉकिंग, स्टडी, स्टडी और स्लीपिंग, लेबर वर्किंग, वर्किंग वर्किंग, इन सभी को करने के लिए जो भी हमारी डेली की एक्टिविटी है इन सभी को करने के लिए एनी लिविंग थिंग्स को क्या है फूड की आवश्यकता होती है। अब बात ये उठती है कि ये हमारे जो मैंने अभी आपको 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड बताए हैं इनका फूड में क्या इम्पोर्टेंस है, इनमें क्या ऐसी चीज है जो कि ये फूड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब है इट इज अ सोर्स, ये क्या है हमारा एनर्जी का ही एक स्रोत है, एनर्जी मींस है ऊर्जा, ऊर्जा का ही एक स्रोत है बिकॉज इट्स मेड बाय कार्बन हाइड्रोजन कॉमा एंड ऑक्सीजन। पता है ये एनर्जी का सोर्स इसलिए क्योंकि ये हमारे हाइड्रोकार्बन से मिलके बना है, सच एज हाइड्रोकार्बन में मीन्स है हमारा कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, जो जिनसे हमारा मिलके कंपोनेंट्स बनता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को क्या है बनाने के लिए क्या है 6 मॉलिक्यूल, 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को मिला के एक सर्टेन टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं जब ये हमारा ग्लूकोज बनता है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा क्या है ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू लिविंग थिंग्स। ये क्या है ग्लूकोज हमारा क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी है जो लिविंग थिंग्स को वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा, बट ये है कि हमें ये ग्लूकोज किस किस प्रोडक्ट से मिलता है,
ग्लूकोज प्रोडक्ट्स आर जैसे कि हमारा क्या है चपाती राइस मेंस ऐसा राइस चपाती मींस रोटी राइस मींस चावल एंड मेंस मींस मक्का जिनसे हमें क्या है ग्लूकोज मिलता है और ये ग्लूकोज हमें क्या है एनर्जी देने का वर्कआउट करता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा फैट फैट है नेक्स्ट है कि ये फैट भी हमारा क्या है एनर्जी का सोर्स है इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी ये भी हमारा एनर्जी का सोर्स है बट इससे क्या होता है इससे क्या होता है कि ये हमारा एनर्जी का सोर्स है और इट गेन इट गिव इट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट ये हमें क्या है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है और इस कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है और इससे हमारी बॉडी क्या है वार्म रहती है हमारी बॉडी में इससे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमें ज्यादा एनर्जी दे रहा है मगर इससे हमारी बॉडी गर्म रहती है सोर्स ऑफ फैट सोर्स ऑफ फैट्स घी बटर ड्राई फ्रूट एसेट्रा ऑयल एसेट्रा घी मिस बटर मिस मक्खन ड्राई फ्रूट्स मिस सेनियम बा सूखे मेवे और ऑयल मिस तेल ये सभी क्या हमारे सोर्स ऑफ फैट है और इनसे हमें क्या है ज्यादा एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रोटीन इट इज नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी ये क्या है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है बट ऑल्सो इट इज बॉडी बिल्डिंग इट इज अ बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट फॉर एनी लिविंग थिंग्स ये क्या बेटा हमारा एनर्जी सोर्स नहीं है बट क्या है हमारा बॉडी बिल्डिंग सोर्स है हमारी बॉडी आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बॉडी क्या एनी लिविंग थिंग्स की जो बॉडी का मैन्युफैक्चर हुआ है वो सेल से हुआ है इट्स कॉल्ड द मल्टी सेलुलर बॉडी अब इन बॉडी की सेल्स को
क्या है, बिल्ड करना है बट इनको रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें किस प्रोडक्ट की जरूरत है? उसके लिए हमें क्या है, प्रोटीन प्रोडक्ट की जरूरत है जो कि हमारी बॉडी की मसल्स को क्या है, स्ट्रॉन्ग रखता है एंड मजबूत बनाता है। तो ठीक है, तो इसके जो सोर्स है हमारे वो क्या क्या सोर्स है ये मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। प्रोटीन के सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन के जो जो सोर्स है हमें टू काइंड के सोर्स है, एक तो प्लांट सोर्स है, प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन फर्स्ट है हमारा, जैसे कि इसमें है प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन में क्या क्या है हमारे, जैसे कि आपका है सोयाबीन, सोयाबीन है और ग्राम है एंड सम स्पाइसेस, सम पल्सेस, सम पल्सेस जो है, पल्सेस मींस होती है दालें, ग्राम मींस चने एंड सोयाबीन मींस होती है हमारी सोयाबीन। तो ये हमारे क्या है, प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन के सोर्स हैं। बट है एनिमल सोर्स क्या है, एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन के सोर्स क्या है, एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन के सोर्स हैं एनिमल, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारे जैसे कि मीट, मीट है, मिल्क है, एग है, एग हो गया, मिल्क, मीट और आपका कर्ड, ये क्या है हमारे प्रोटीन के सोर्स हैं जो एनिमल से मिलते हैं। तो ये एनिमल से हमें प्रोटीन के सोर्स मिलते हैं, इनसे हमारी बॉडी मजबूत रहती है और मसल्स स्ट्रांग रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स एंड विटामिन। बेटा मिनरल्स एंड विटामिन जो सोर्स है हमारा वो क्या है, मिनरल और विटामिन हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये बेटा हमारे किसमें मिलते हैं, ये मिलते हैं हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये वेजिटेबल और फ्रूट में मिलते हैं। बट इनका क्या काम है, इनका काम यह है कि हमारी बॉडी में जितने भी जम्स एंटर कर जाते हैं उन जम्सों से फाइट करने के लिए ये हमारी बॉडी में क्या है, फाइटिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। तो इनको क्या है हमारी, ना तो हमारी बॉडी में इनका एनर्जी देने का वर्क है, ना है हमारी सेल्स को बिल्ड करने का फंक्शन करते हैं, बट ये हमारी बॉडी में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हमारे डिजीज फाइटिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि ये मिनरल्स अगर नहीं होते हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में क्या है जो जर्म्स हैं वो आसानी से क्या एंटर कर जाएंगे और हमारी बॉडी को पूरी तरीके से क्या है जर्म से भर देंगे। उस जर्म्स से बचने के लिए हमें क्या है ये मिनरल्स एंड ये आपके विटामिन्स यूज करने पड़ते हैं, और ये हमें बेसिकली कहीं से नहीं मिलते, ये हमें क्या है लीफी, सॉरी कैन वन वेजिटेबल्स मीन्स होती हैं सब्जियां और फ्रूट्स मीन्स होती हैं फलों को, और वेजिटेबलों को खाने से हमें ये पता लग जाता है कि हमें क्या कौन सा मिनरल्स खा रहे हैं और इसका हमारी बॉडी में क्या यूज है। ठीक है, तो बेटा अगर जब तक हमें इनके बारे में नहीं जानकारी मिलेगी तो हमें क्या पता है कि हमारी बॉडी में किस मिनरल्स की जरूरत है और हमें क्या लेना चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी में
आयरन की कमी होती है, तो उस आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमें किस मिनरल्स को खाना चाहिए, उस मिनरल्स में हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी, तो कौन सा वेजिटेबल और कौन सी हमें फ्रूट से खानी चाहिए, उसके लिए आयरन के लिए हमें क्या है, स्पिनिच मींस है पालक और हमारा एप्पल्स, अगर इन दोनों को हम अच्छी तरीके से खाएं तो हमारी बॉडी में क्या आयरन की कमी दूर हो सकती है। ठीक है, तो इनसे मिलने वाले जो फायदे हैं और इनसे निकलने वाले जो नुकसान हैं उसके बारे में बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए इसको हम यही खत्म करते हैं। बेटा अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा भी वीडियो बनाने के लिए मन नहीं करेगा। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मैं नई वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा। ओके बाय।